देखिए यार, अगर आपको नेक्स्ट ईयर मैप में रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ईयर मैप के 10 ऐसे हिडन प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा मस्त है। एंड अगर आप उन सभी प्लेसेस पे काम करते हो ना, तो आप नेक्स्ट ईयर मैप में काफी इजिली रैंक पुश कर पाओगे। एंड जिन जिन हिडन प्लेसेस के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है ना, उन सभी प्लेसेस से ना बहुत सारी किल्स भी बटोर सकते हो। तो रैंक पुश करते टाइम आपको किल्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है, जो आप इन सभी प्लेसेस पे काम करते हो यहाँ से आपको फ्री के किल्स मिलने वाले हैं। तो यार बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला प्लेस है ना वो है मड साइड पे। तो मड साइड पे जो आप उतरते हो ना, तो यहाँ पर आपको फटाक से लूट करके इधर लॉन्च पैड के पास आ जाना है। एंड जो आप लॉन्च पैड के पास आते हो ना, तो यहाँ से इस लॉन्च पैड को थोड़ा राइट घुमा देना है। एंड सामने यहाँ पर ना ऊपर की साइड आपको स्क्रीन पे ना अच्छी तरह से अपनी लॉन्च पैड को सेट कर देना है। एंड जब आपका लॉन्च पैड इस तरह से पूरी अच्छी तरह से सेट हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको रिलीज कर देना है। एंड उसके बाद ना आप यहाँ पे इसके ऊपर आ जाओगे। एंड इसके ऊपर जो आप आ जाते हो ना, तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर व्यू मिल जाएगा मड साइड का। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में या फिर लास्ट जोन में आते हो ना, तो आपको इधर से बहुत सारे किल्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मड साइड में बहुत ज्यादा एनिमीज रहते हैं। एंड यहाँ से जो आप उनको किल करोगे ना, तो उनको पता ही नहीं चलेगा यार कि ये बंदा मुझे कहां से मार रहा है। जैसे कि इस क्लिप में देखो यार, मेरे को ना सामने एक बंदा मिला था नीचे की साइड, तो उस पे जब मैंने फायर किया ना, तो उसने ग्लोवाल तो लगा लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाया कि मुझे डैमेज कहां से पड़ रही है। तो फिर जब मैं लगातार उसके ऊपर फायर करता रहा ना, तो कुछ टाइम के बाद मैंने उसे फिनिश कर दिया। एंड जब वो बंदा मरा, तब उसे पता चला यार कि ये बंदा मुझे यहां से मार रहा है। तो ये प्लेस ना आपके लिए काफी ज्यादा मस्त है। अगर आपको कोई एनिमी स्पॉट भी कर लेते ना, तो यहां पर आपको काफी अच्छा खासा कवर भी मिल जाता है। एंड इसके बाद अगर आपको और भी अच्छा व्यू चाहिए ना, तो यहां से आप सबसे ऊपर भी आ सकते हो। एंड एक बार जब आप सबसे ऊपर आ जाओगे ना, तो यहां से आपको पूरा क्लियरली दिख जाएगा यार कि कहां कहां पे एनिमीज है। तो इस प्लेस को आप जरूर से यूज करना। अब यार हमारा जो सेकंड एंड थर्ड हिडन प्लेस है ना, वो है इंटेलेक्ट सेंटर पे। तो सबसे पहले जो हमारा सेकंड हिडन प्लेस है ना, वो है इंटेलेक्ट सेंटर के इधर पीछे के साइड। एंड उस जगह पे जाने के लिए ना आपको एक ऑटो या फिर जीप की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको कोई ऑटो या फिर जीप मिलती है ना, तो आपको फटाक से इस इंटेलेक्ट सेंटर के पीछे आ जाना है, जहां पे मैं भी आया हूं। एंड यहां पर आने के बाद ना आपको अपने व्हीकल को ठीक से सटा के लगा देना है, जैसे कि मैंने लगाया है। अब जब आप अपने व्हीकल को अच्छी तरह से लगा देते हो ना इधर, तो उसके बाद आपको व्हीकल के ऊपर चढ़ जाना है। एंड उसके ऊपर चढ़ने के बाद ना आपको इधर सामने जंप कर देना है इस टावर के ऊपर। एंड इसके ऊपर जब आ जाओगे ना, तो यहां से आपको लगातार इधर ऊपर के साइड जंप करते रहना है। एंड जब आप लगातार जंप करते रहोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पे इधर ऊपर आ जाओगे। एंड ऊपर आने के बाद ना आप यहाँ पे इस जगह पे काफी अच्छी तरह से कैंप कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपको सबसे ऊपर आना है ना, तो यहाँ पर आपको अगेन फिर से ऊपर की साइड जंप करते रहना है। एंड इसके बाद ना आप यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाओगे। एंड फिर इस जगह पे भी आप काफी अच्छी तरह से कैंप कर सकते हो। इस जगह की इस साइड पे अधिकतर बार जोन नहीं बनता है, तो अगर आपकी लॉबी बहुत हार्ड आती है ना, अगर आपकी लॉबी में बहुत हार्ड हार्ड बंदे आते हैं, तभी आप इस जगह का यूज करना है। जब आपको फर्स्ट जोन बन जाते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ से उधर के जोन को कवर करना स्टार्ट कर देना है। अब तीसरे हिडन प्लेस पे जाने के लिए इंटेलेक्ट सेंटर पे जो लॉन्च पैड होती है ना, उसका यूज करके आपको सामने जो बिलबोर्ड दिख रहा है ना, उसके ऊपर आपको जाना है। एंड यहाँ पर जब आप आ जाओगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। इधर आपको कभी कभी एनिमीज मिल भी जाते हैं, जैसे कि अभी देखकर मैं यहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा पहले से ही था, तो इस बंदे को मैंने काफी इजिली फिनिश कर दिया है। तो अगर पहले आ जाते हो ना इस बिलबोर्ड के ऊपर, तो आपके पास अगर कोई लैंडमैन होगा ना, तो आपको उस लैंडमैन को इधर लगा देना है, जिससे कि अगर कोई बंदा आपको देख के इधर आएगा ना, तो सबसे पहले लैंडमैन से डैमेज हो जाएगा, फिर आप उसे काफी इजिली मार सकते हो। अब यार जब आप एक बार इधर आ जाते हो ना, तो यहाँ से आप काफी अच्छे खासे किल बटोर सकते हो, क्योंकि काफी बार ना सेकंड जोन भी इधर ही बनता है। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड क्लिप में भी देख सकते हो कि यहाँ से मैं कितना इजीली एनिमीज को किल कर रहा हूँ। अब हमारा जो फोर्थ एंड फिफ्थ हिडन प्लेस है ना, वो दोनों हिडन प्लेसेस यहाँ पे फार्म टोपिया के पास है। एंड वहाँ पर जाने के लिए ना आपको फार्म टोपिया एंड प्लाजेरिया के बीच में एक लॉन्च पैड मिलेगा। मैप में देखो मैंने आप सभी के लिए पिन कर दिया है, तो इस जगह पे जो आप आओगे ना, तो आपको ये लॉन्च पैड मिल जाएगा। एंड जो आप इस लॉन्च पैड के पास आ जाते हो ना, तो फोर्थ हिडन प्लेस पे जाने के लिए ना आपको यहाँ पे सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, उस पर आपको ठीक से सेट कर देना है लॉन्च पैड को। एंड फिर इसके बाद ना आप यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर आ जाओगे। एंड जो आप यहाँ पे एक बार इस ट्री के ऊपर आ जाओगे ना, तो यहाँ से आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है। स्कोप ओपन करके जब आप ऊपर जाओगे ना, तो आप नीचे नहीं गिरोगे, तो यहाँ पर आपको स्कोप ओपन करके जंप करते रहना है। एंड जब आप यहाँ पे इस साइड आके लेट जाओगे ना, तो आप बहुत ज्यादा इन ब्रांचेस के बीच में छुप जाओगे। यहाँ पर आप देखो यार मेरा कितना बॉडी का पार्ट इन ब्रांचेस में मिल गया है। इस जगह पे आपको बहुत कम बंदे स्पॉट कर पाएंगे। जैसे कि इस क्लिप में देखो यार, मेरे ऊपर ना एक बंदा हिटलिस्ट ले लेता है, यानी कि उसको मेरा लोकेशन पता है। एंड अभी आप देखना यार, ये बंदा जैसे मुझे मारने के लिए आता है ना, मैं फटाक से इसके ऊपर फायर करने लगता हूँ इधर से। एंड उसको पता ही नहीं चलता यार कि ये बंदा कहाँ पे छुपा है। एंड यहाँ पर कुछ टाइम के बाद जब ये बंदा वापस निकलता है ना मुझे मारने के लिए, तो फिर मैं काफी इजिली इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब हमारा जो फिफ्थ हिडन प्लेस है ना फार्म टोपिया पे, वो इससे भी ज्यादा मस्त है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉन्च पैड को ठीक से सेट करना पड़ेगा, जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। एंड जब आपका लॉन्च पैड फार्म टोपिया की इस बिल्डिंग पे ठीक तरह से सेट हो जाता है ना, तो उसके बाद ना आप यहाँ पे आ जाओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद ना आपको इधर राइट साइड में आकर ना ऊपर की साइड जंप करते रहना है। एंड फिर उसके बाद ना आप यहाँ पे सबसे ऊपर छत पे आ जाओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद ना अगेन आप काफी इजिली बंदे को किल कर सकते हो। जैसे कि देखो सामने दो बंदों में फाइट हो रहा था, तो मैंने कितना इजिली थर्ड पार्टी करके एक बंदे का किल उठा लिया। एंड जो सेकंड बंदा है ना, उसे भी मैंने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है।
एंड यार देखो ये जो फार्मटोपिया का प्लेस है ना ये बहुत वरना थर्ड एंड फोर्थ जोन के अंदर होता है, तो उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो लास्ट जोन में आप काफी सारे किल बटोर सकते हो। अब यार हमारा जो सिक्स थर्ड प्लेस है ना वो है डेड स्क्वायर के पास, लेकिन उस जगह पे जाने के लिए ना आपको इधर रश टाउन के पास जो लॉन्चपैड मिलता है ना उसका आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना आपको इस लॉन्चपैड को ठीक तरह से सेट कर देना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, एंड इसके बाद जब आप इसे रिलीज करोगे ना तो आप इस घर के ऊपर आ जाओगे। एंड इस घर का यूज ना लास्ट जोन में अगेन बहुत बार होता है, एंड यहाँ से अगेन आप काफी इजिली चारों तरफ से बहुत सारे किल्स बटोर सकते हो। अब हमारा जो सेवन हिडन प्लेस है ना वो मुझे नेक्स्ट एरा मैप का ना सबसे बढ़िया हिडन प्लेस लगता है, क्योंकि इस हिडन प्लेस पे जब आप एक बार आ जाते हो ना तो यहाँ से आप काफी सारे किल कर सकते हो। एंड उस प्लेस का स्ट्रक्चर है हमारे रोबो पेट के जैसे, एंड ये प्लेस ना नेक्स्ट एरा मैप के ऑलमोस्ट बीच में है। तो इस प्लेस पे आने के लिए अगेन आपको यहाँ पे लॉन्चपैड की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे इंटेलेक्ट सेंटर पे जो लॉन्चपैड मिलता है ना उसके सहारे आप यहाँ पे इसके ऊपर आ सकते हो। एंड इसके ऊपर जब आप एक बार आ जाते हो ना यार तो समझ लो ना आपके मजे ही मजे यार, यहाँ से आपको बहुत सारे किल्स मिलने वाले हैं। बट मैंने एक दो बार नोटिस किया यार कि यहाँ पे ना ऑलरेडी पहले से ही एनिमीज होते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। जब आप यहाँ पे लॉन्चपैड से आते हो ना तो अगेन आपको जगह पे लैंडमाइन लगा देनी है। अब यार हमारा जो एट प्लेस है ना वो है म्यूजियम पे, तो अगर आप यहाँ पे लैंड करते हो ना तो फटाक से लूट करके आपको इधर साइड में आ जाना है जहाँ पे मैं भी आया हूँ। एंड इधर आपको एक टायर मिलेगा, तो टायर पे जंप करके ना आपको इधर ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पर आने के बाद ना आपको इधर सामने जंप कर देना है, एंड इसके बाद ना आपको यहाँ पे ऊपर चढ़ते रहना है। फिर आप यहाँ पे इस गोल घर के ऊपर आ जाओगे, एंड फिर अगर आपको म्यूजियम में कोई बंदा ऊपर में घूमते हुए मिलता है ना तो यहाँ से आप काफी इजिली उसे खत्म कर सकते हो। अब हमारा जो नाइन्थ प्लेस है ना वो है मोटर रुइंस के पास, तो मोटर रुइंस में जहाँ पे वेंडिंग मशीन होते हैं ना वहाँ पर आपको आ जाना है। एंड यहाँ पर जो पाओगे ना तो इस कंटेनर के पीछे ना आप काफी अच्छी तरह से कैंप कर सकते हो, एंड क्योंकि यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन है तो इस कारण ना यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमीज मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पहले से ही कैंप करके बैठे रहते हो ना तो आप उन बंदे को काफी इजिली खत्म कर सकते हो जो कि वेंडिंग मशीन से सामान खरीदने आएंगे। एंड यहाँ पर अगर आपके पास लैंडमैन होता है ना तो कैंप करते टाइम ना आपको एक साइड पे लैंडमैन को जरूर से लगा देना है। अब यार आज की वीडियो की जो सबसे लास्ट हिडन प्लेस है ना वो है डेका स्क्वायर के पास, तो ये जो हिडन प्लेस है ना वो पानी के अंदर है। तो यहाँ पर आने के बाद ना आपको इधर पानी के अंदर बैठ जाना है, एंड जो आप इधर बैठोगे ना तो सामने से कोई भी बंदा आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं अगर सामने कोई एनिमी होता है ना तो पानी में रहते हुए उस बंदे को काफी क्लियरली देख सकते हो। एंड अगर आपका लास्ट जोन इधर बनता है ना तो इस प्लेस का आपको जरूर से यूज करना है। यहाँ पर आपको जल्दी से आके इधर पानी के अंदर बैठ जाना है, एंड इसके बाद आप काफी इजिली इस मैच को बुया निकाल लोगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही यार, मैंने आपको इस वीडियो में जिन जिन हिडन प्लेसेस के बारे में बताया ना उन्हें आप जरूर से यूज करना नेक्स्ट ईयर मैप में रैंक पुश करते टाइम, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।